मैं उनसे बात कर लूंगी थोड़ा सीढ़ी पे मैडम कर लेना आप पीछे जी मैम एक सेकेंड, मैं आपसे आज आप खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे? जी जी एक सेकेंड जी मैम, नीचे आ जाती तो सही था यार। आज आप खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे? एक मिनट आ जाओ यहाँ पे, असल में पूरी मैनेजमेंट की लगता है कि 50 लोग हैं। अच्छा, अब बात ये आज कोर्ट के हेयरिंग के बारे में बता दें। आज आप खुशखबरी सुनना चाहते थे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे। हम कोर्ट रूम में गए, सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। जो शाह साहब थे प्रोसिक्यूशन के या हुकूमत के जो लॉयर थे, मेरे ख्याल में उनको ज़बरदस्ती जबरन भेज दिया गया यहाँ से। अब जो बेचारे जो एक और लॉयर खड़े थे, उन्होंने यकीन करें पूरा किताबचा पढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने और माशाल्लाह जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़ा खूबसूरत सवाल आज पूछा। आज जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये पूछा, आया ये फेयर ट्रायल हुआ है कि नहीं? अब पूरी जब ख़त्म होगी कहानी, उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछ लिया और माशाल्लाह जो प्रोसिक्यूशन वाले थे, उन्होंने इतनी मोटी किताब पहले से तैयार करके रखी हुई थी, जो आमिर फ़ारूक जस्टिस आमिर फ़ारूक का जवाब देने के लिए पूरी किताब तैयार है। आज मेरे ख्याल में हमने 10% किताब सुनी है, एक इस सवाल पे कि आया ये ट्रायल जो था ये फेयर था कि नहीं, ये अब सवाल है। हालांकि मेरा ख्याल है ये पहले दिन जब हम हाई कोर्ट आए हैं तो आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक को पूछना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में जस्टिस आमिर फ़ारूक उस वक्त शायद भूल गए थे। लेकिन अब लगता है कि ये एक पूरी किताब पढ़ी जाएगी, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम ट्यूसडे को उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम भी बहुत सब्र वाले हैं। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए, हम यहाँ मौजूद होंगे जब तक जो बेगुनाह लोग जेलों में बैठे हैं और उसके ऊपर ये खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी सब्र से इंसाफ का इंतज़ार करेंगे। कोई ऐसी अगर इनको जल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्होंने खींचना है, पता नहीं कब तक खींचना है, ये देख लें आपके सामने है तो हम भी इंतज़ार करेंगे और आप लोगों को भी इधर मौजूद होना पड़ेगा। अच्छा, ये अदालत की कार्रवाई की मीडिया कवरेज पे पाबंदी लगा दी है पेमरा की तरफ से, तो इस पाबंदी पे क्या कहेंगे, इस तरह कवरेज ही नहीं आप हम कर सकते? देखिए, जो पाबंदी लगी उसके ऊपर तो आप कहोगे, हम क्या कहेंगे, आप कहोगे, आप जो मीडिया वाले हैं आप कहेंगे। कहाँ है मीडिया की जो चैनल्स हैं, डिजिटल कैमराज है, डिजिटल चैनल्स हैं या अखबार है, कहाँ है? आप लोगों का काम नहीं है पेमरा को पूछना या ये हमारा काम है? आज हमने दरख्वास्त दी है, आप दरख्वास्त दें, हम सारे यही काम करेंगे। अब जब तक इंसाफ नहीं मिलता आप भी पूछें, क्योंकि लोगों की नुमाइंदगी तो आप कर रहे हैं। तो मैं ये बताएं, इमरान खान ने कोई एहतजाज का कहा कि एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि रऊफ हसन को मेरे ख्याल में कत्ल करने की कोशिश की गई है, और एक दिन नहीं, दो दिन पहले भी उनको कोशिश की गई थी, उनको समझ नहीं आई कि क्या हो रहा था उनके साथ। और जब उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी है, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 इंच का फ़र्क था, बेसिकली गर्दन को मारना था, बड़ा कामयाब तरीके से उन्होंने इतना गहरा या शारक काटनी थी, आपको पता है। तो अगर ये चीज़ इन्होंने काम शुरू किया हुआ है तो
को हम कब तक ये बैठ के देखेंगे? इमरान खान तो बहुत इस पर उनको गुस्सा भी था इस चीज़ पे, और कहते बहुत हो गया। उन्होंने इतने सब्र से उन्होंने लीगल सिस्टम के जो है उसको अपना लीगल कोर्स लिया। उन्होंने कहा मैं अपने हर केस को अदालत में इसका सामना करूंगा, और उन्होंने कर लिया। अब ये तो नहीं मतलब कि सड़कों पे चलते हुए लोगों को आप कातलाना हमला करें और उसके बाद बंदा भी नहीं मिलेगा। जब मिलना होता है तो इन्होंने 600 बंदा जेल में डाल देते हैं, जियो फेंसिंग हो जाती है, और जब नहीं इनको मिलना होता तो सिर्फ जो बेगुनाह लोगों पे अटैक होता है, यहाँ चौक पे, डी चौक पे इस्लामाबाद में जो लोग फ़लस्तीन के लिए बैठे थे, उनकी एक गाड़ी ने जो एक फ़ौज का लड़का था उसने उनके सर को चल दिया, एक बंदे का सर को चल दिया। आपको किसी को पता चले कि किसी को FIR हुई है? तो इंसाफ तो अगर हम खुद नहीं इमरान खान कह रहे खड़े होंगे तो हम लोगों के साथ फिर यही होगा। अभी हमारा ख्याल है उन लोगों के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, तो फिर हमें अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। यही इमरान खान जा रहे हैं कि अब टाइम आ गया है। बहुत शुक्रिया।